और उस काम को कैसे किया जाए। अगर उन्होंने समय सीमा के अंदर योजना प्रस्तुत की, मैं अहिंसा विश्व भारती की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय सीमा में केवल काम शुरू नहीं होगा, काम संपन्न हो जाएगा। अब ये आप पर दायित्व है कि इन संसाधनों का इस क्षेत्र में जन कल्याणकारी जो हर मानव जाति, क्योंकि मैंने जिस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ वो कहा करते थे आचार्य तुलसी, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो उनका भी तो था। उन्होंने सांप्रदायिक सोच दी। जिस महावीर दर्शन में मैं दीक्षित हुआ, भगवान महावीर कहते हैं तीर्थ सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई असंप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। और बना अनेकांत दर्शन विरासत में मिला। अनेकांत दर्शन तो वो है जो विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है। तो आइए बंधुओं, हम जो है जाति और संप्रदाय से मुक्त होकर के, क्योंकि सांप्रदायिक कट्टरता, जातिवादी जुनून हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करते हैं। हम हमारी जो महान भारतीय संस्कृति है, जो अनेकता में एकता की बात करती है, जो बहुलतावादी संस्कृति है, उसके संरक्षण को करते हुए उन्हीं के प्रति दायित्व निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। अंत में भाई सोनराज जी के सम्मान में ये कहना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बातें करनी बड़ी सरल है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। ये इसके साथ ट्रस्ट ने जो निर्माण के काम किए हैं, जो सृजन के काम किए हैं, मैं यही कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं फौलादी तीरों का बनता है। अरे मोह माया में डूबे रहने वालों, इतिहास ऐसे महत्व में नहीं सारेसा परिवार जैसे विसर्जन करता वीरों का बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुणे में अपनी मातृभूमि में भाई शेखावत जी को, अमराराम जी को, ललित जी को, ये स्वयं ही इसी माटी के हैं, तो मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। ओम अरहम। प्रभु महावीर की वाणी को जन जन तक